हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट इंडियन ऑटिस्टिक गर्ल। आज जो मैं है दिल की बात का दूसरा एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप में और मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप इस तरह के वीडियो और बनाइए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। तो जब हमारे घर में ऑटिस्टिक बच्चा या स्पेशल बच्चा बोर्न होता है और जब हमें उसको लेकर के बाहर जाना पड़ता है थेरेपीज के लिए या स्कूल ले जाने के लिए या गार्डन में ले जाने के लिए, तो सबसे पहले हमें यही स्ट्रेस होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें भूल जाना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से सोचते बैठेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस आएगा और हम बच्चे के साथ हमें जितना एफर्ट करना चाहिए उतना एफर्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम बाहर जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के तो हमें अनपढ़ लोग भी मिलते हैं और पढ़े लिखे लोग भी मिलते हैं। तो मुझे बहुत ही सरप्राइज़ होता है कि जो बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़े लिखों की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अनपढ़ों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोग हमें समझते हैं और कुछ लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। वो हमें स्टेयर करते हैं, घूर के देखते हैं, ऊपर से नीचे तक हमें देखते हैं, हमारे बच्चे को देखते हैं, किसी के कान में कुछ बात करते हैं, ऐसे खड़े होकर के हमें देखते रहते हैं। तो इस तरह के हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमें उनको इग्नोर करना है, हमें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक ने तो मेरे मुंह पे ही बोल दिया था कि अच्छा हुआ कि मुझे ऑटिस्टिक बच्चा बॉर्न नहीं हुआ। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है और आपको अपना काम आगे करते जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपसे कहना चाह रही थी कि जब हम अपने बच्चे के साथ एफर्ट करते हैं तो लोग हमें देखते हैं, एफर्ट करते हुए देखते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। इवन मुझे भी, मैं जब अपनी बिल्डिंग के बाहर निकलती हूँ तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लोग बोलते हैं कि आपको देख के हमें रेस्पेक्ट आता है कि आप अपनी बिटिया के साथ में बहुत एफर्ट करते हैं। तो जो हमें अप्रिशिएट करते हैं हमें सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, जो हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं हमें उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बेकार हो गई है, ईश्वर ने तुम्हें इसी में उलझा के रखा है, अब तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसे ही जाने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरह जाएगी। तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर का टास्क है जो कि साधारण लोगों को नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ स्पेशल लोगों को ही दिया जाएगा जिनमें की पेशेंस है और जिनमें की क्षमता है ये सब करने की। और ईश्वर जो है वो हमें आगे बढ़ने की हमें शक्ति देता रहता है। तो हमें उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और ये ईश्वर का टास्क है, ये साधारण लोगों को नहीं दिया जा सकता। जो लोग भगवान ने कुछ लोगों को सिर्फ बातें करने के लिए बनाया है, जो इस तरह की बातें ही कर सकते हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए और आप अपना काम करते जाइए। तो अंत में मैं वापस टाइटल पे आऊंगी, भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, देर से या कमी से ही फल हमें जरूर मिलेगा, इस तरह से हमें सोचना चाहिए और हमें हमेशा पेशेंस रखना है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अंत में कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।